नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के सियासत में लोगों के सर पर कुर्सी का बुखार इस कदर हावी है कि लोगों के लिए रिश्ते नाते भी बेमानी हैं। मौजूदा बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा गया है कि कई सीट ऐसे हैं जहां सगे संबंधी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कहीं पर भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो कहीं सास बहू को चुनौती दे रही है और कहीं पर पिता पुत्र के सामने हैं। कई अन्य सीट पर सगे संबंधी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। पीरपैंती विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी रामविलास पासवान तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर उनके पिता उदाली पासवान निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। रामविलास के पिता हर बार चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन कराते हैं और अपने पुत्र के सामने डट कर खड़ा रहते हैं। उदाली पासवान के समर्थक बताते हैं कि चुनाव लड़ना उनका शौक है और इसीलिए वो अपना नाम वापस नहीं लेते। रामविलास पासवान इस सीट से अभी सिटिंग विधायक हैं और इस बार भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां विधायक बनने के लिए दो भाई आमने सामने हैं। जोकीहाट के वर्तमान राजद विधायक स्वर्गीय तस्मिल्लुद्दीन के छोटे बेटे का टिकट इस बार कट गया है। उनके बड़े भाई और पूर्व सांसद सरफराज आलम को राजद ने टिकट दिया है। सरफराज जोकीहाट से तीन बार विधायक भी रह चुके हैं। 2018 में हुए उपचुनाव में सरफराज के छोटे भाई को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीत भी गए थे, लेकिन इस बार राजद ने उनको टिकट नहीं दिया है। अब वो ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जेठ और भावज एक दूसरे के सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से विनय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने उनके चचेरे भाई स्वर्गीय आलोक वर्मा की पत्नी रश्मि वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले 2015 में भी दोनों आमने सामने थे, लेकिन उस समय रश्मि वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और तीसरे स्थान पर रही थी। विनय शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत हासिल हुई थी। बात रामनगर विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। यहाँ सास और बहू एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। रामनगर की विधायक भागीरथी देवी भाजपा के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं उनकी बहू रानी देवी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। रानी देवी ने अपने सास पर तंज कसा है और उनका कहना है कि जो अपना घर ना संभाल सकी वो विधानसभा क्षेत्र को क्या संभाल पाएंगी। आपको बता दें कि भागीरथी देवी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी हैं। शाहपुर में देवरानी और जेठानी एक दूसरे के सामने हैं। पूर्व विधायक मुन्नी देवी को भाजपा ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उनकी जेठानी शोभा देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। नवादा विधानसभा क्षेत्र से पति पत्नी भी चुनावी मैदान में है। पति पत्नी की यह जोड़ी नवादा जिला की राजनीति में अपनी खास धमक रखती है। खास बात यह है कि दोनों अलग अलग सीटों पर एक ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा विधानसभा से जदयू के टिकट पर कौशल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव जदयू के ही टिकट पर गोविंदपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव रिश्तों को भी मैदान में घसीट लाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे जीत का सहरा पहनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज।